जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने के लिए कायराना हरकत की है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम मोहम्मद इब्राहिम है और वो दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। गोली लगने के तुरंत बाद घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मोहम्मद इब्राहिम जिस दुकान में काम करते थे, उस दुकान के मालिक पर 27 साल पहले आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद से दुकान बंद थी और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन 3 साल पहले दुकान के मालिक रोशन लाल मावा अपने बेटे के साथ श्रीनगर लौटे थे और बेटे मनदीप मावा ने 3 साल पहले ही ये दुकान खोली थी। जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और लिखा, इब्राहिम की बेरहमी से की गई हत्या निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। दुर्भाग्य से इब्राहिम की हत्या, विशेष रूप से श्रीनगर में लक्षित हत्याओं की एक श्रृंखला में नवीनतम घटना है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में टारगेट हमले देखने को मिले हैं। इन हमलों में कम से कम 11 नागरिकों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से ज्यादा लोग कामगार और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। इससे पहले आतंकियों ने बाटमालू इलाके में तौसीफ अहमद वानी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर निशाना बनाया था।